गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है मैट्रिक्स, क्या होती है मैट्रिक्स, क्या है अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट, क्या होती है अरेंजमेंट एलिमेंट्स का। यदि हम अरेंजमेंट सही जिस प्रकार से करते हैं वो क्या होती है मैट्रिक्स होती है। जैसे मोहन के पास बुक है 7 और पेन है जैसे 6 है, और सोहन के पास 5 बुक हैं और ये हैं 7 पेन इसके पास है। तो हम इसको एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो क्या बन जाएगी, ये एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलेंगे मैट्रिक्स। तो या दूसरी बात है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को कैसे नोटेशन करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, इसको कैसे दर्शाते हैं, ए आई जे, इसको यदि हम क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाती है मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। इसको हम नोटेशन ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। आई का मतलब है रो और जे का मतलब है कॉलम। तो इसका मतलब जैसे हमने ए 1 और 2 रख दिया तो इसका मतलब है 1 क्या है रो है और 2 क्या है कॉलम है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। जैसे ए आई जे जो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं उसमें m इंटू n के रूप में है, ये क्या है अपने पास ऑर्डर है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे ये इस प्रकार से लिख दिया अपन हमने, तो ये 2 इंटू जो 3 है ये क्या है ऑर्डर है। तो इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को हम डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप हैं, सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को कैसे, इन वे ऑफ ओरिजेंटल, ओरिजेंटल जो रूप में होती है जैसे 3 5 7, इसको हम क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो क्या हो जाएगी, ये एक रो मैट्रिक्स तैयार हो गई। और फिर है कॉलम मैट्रिक्स, इन वे ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल रूप में, जैसे इसी बात को हम 3 5 7, इसको हम ऐसे दर्शा दें तो ये क्या हो जाएगी अपने पास कॉलम मैट्रिक्स तैयार हो गई। ऐसे इस प्रकार से हो तो ओरिजेंटल रूप में होगी तो इसका मतलब क्या होगी, वो रो मैट्रिक्स। जैसे ये इस प्रकार से और इस प्रकार से रूप में होगी तो वो क्या हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स हो जाती है। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है अपने पास स्क्वायर के रूप में हो, नाम से डेफिनेशन ही पता लग रहा है स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 3 4 5 इस प्रकार से एलिमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे 2 रो है और 2 ही कॉलम है तो इसका मतलब क्या होगी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। क्या हो गया 2 3 4 5, और इसको हम इस प्रकार से दिखा दें तो क्या हो जाएगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल तैयार हो गया अपने पास। फिर है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल में जैसे आमने सामने के एलिमेंट्स इक्वल हो, डेफिनेशन से तरह रेक्टेंगल के आमने सामने साइड क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, तो उसी प्रकार से स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो 2 इंटू 2 ऑर्डर के रूप में होगी, और इसकी आमने सामने की साइड बराबर होती हैं तो उसी प्रकार से क्या होगी अपने पास, ये क्या हो जाएगी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। इसमें क्या है 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं तो इसका मतलब 2 रो 3 कॉलम के अपने पास एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स तैयार हो गई। उसके बाद आता है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0, नॉन डायगनल। जैसे डायगनल क्या होते हैं, जैसे अपने पास क्या होगा 4 5 6, अपने पास नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0। जैसे इस प्रकार के रूप में होंगे 4 0 0 7, तो ये डायगनल होते हैं, ये अपने पास एक उसमें हो और सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 0 के रूप में हो तो उसका मतलब क्या होता है डायगनल मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। फिर आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगनल एलिमेंट्स क्या हो, उसके इक्वल हो। जैसे इसमें कोई कंडीशन जरूरी नहीं थी कि डायगनल एलिमेंट्स क्या हो, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 4 7 आ गया, लेकिन इसमें क्या है स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे 4 4 0 0, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आए डायगनल के वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे आप स्केलर
स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ईच ऑफ इट्स डायगनल एलिमेंट्स आर यूनाइटेड। इसमें क्या है, बिल्कुल तीनों ही डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, तीनों में थोड़ी थोड़ी बातें एक जैसी ही हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे एक हो और एलिमेंट्स क्या हो, जीरो जीरो हो। जैसे ये डायगनल है वो क्या हो अपने पास, ये अपने पास यूनाइटी हो मतलब वन हो, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देते हैं। इसको हम आई के रूप में दिखा सकते हैं, आई एन, आई एन से क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से हम यूनिट मैट्रिक्स को दर्शा सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होता है टू टाइप्स का। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कितना टाइप का होता है, टू टाइप्स का। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगनल आर जीरो। मतलब इस प्रकार से एग्जाम्पल हो अपने पास, बिलो द प्रिंसिपल डायगनल, डायगनल से जो नीचे के एलिमेंट हैं 3, 4, 5, ये डायगनल हो गए, जैसे 0, 0 और अपने पास हो गए यहाँ जो एलिमेंट हैं, एक बार तो हमने ऐसे इसको लिख लिया इसको। अब जो नीचे के जो एलिमेंट हैं ये हो गया अपने पास, इसको हम बोल देते हैं 2 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, ये हो गया 8 हो गया। कि इस प्रकार से ट्रेंगल बन, ट्रेंगल टाइप, ये ट्रेंगल। तो इस प्रकार से एलिमेंट को होंगे तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अपर, अपर में क्या है, इस डायगनल से नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो सारे क्या होंगे, 0, 0 होंगे, और ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, क्या होंगे इस प्रकार से, वो एलिमेंट्स होंगे और नीचे वाले क्या हैं, डायगनल से नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हों, उसको 0, 0 हों, उसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद आता है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, बिल्कुल ऐसे सेम है। इसमें क्या है, अब की बार ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबो द प्रिंसिपल डायगनल आर जीरो। अब की बार ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं एक डायगनल से ये हो जाएंगे 0, 0, 0 और ये हो जाएंगे 5, कुछ भी लिख दो यहाँ पे 4, 3। तो यहाँ से जो इस प्रकार से ये बन गया अपने पास, क्या बन गई, एक ट्रेंगल टाइप से बन गई, तो इसका बोलेंगे लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सेम है, इसमें अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर ट्रेंगल बनेगी और इसमें क्या बनेगी, लोअर में एक ट्रेंगल बन जाएगी। तो ऊपर वाले क्या होंगे एलिमेंट्स, का क्या होंगे, डायगनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स 0, इसमें डायगनल से नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, 0, तो उसको क्या बोलेंगे, अपर और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, नाम से पता लग रहा है, ये मैट्रिक्स ईच एलिमेंट्स आर जीरो, प्रत्येक एलिमेंट्स क्या हो, 0, 0 हो, 0, 0, 0, 0, इस प्रकार से हम उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0, 0, 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स तैयार कर दिया हमने, ये था 2×2 रो का और ये था 3 रो 3 कॉलम, इसमें है 3, ये 3 रो होगी, 3 ही कॉलम है, ऐसे इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0, 0 के रूप में हो, 0, 0 के रूप में हो, उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स ईच एलिमेंट्स आर जीरो, डेफिनेशन ही पता लग रहा है कि क्या है, प्रत्येक एलिमेंट्स क्या हो, 0, 0 हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0, 0, उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी उसका नाम रख सकते हैं। फिर उसके बाद था कंपेरेबल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स ए आई जे, ए आई जे से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, तो एम इंटू एन इस प्रकार से ऑर्डर हो, और दूसरी एक मैट्रिक्स और है बी आई जे, उसका ऑर्डर क्या हो, क्यू इंटू आर के रूप में हो, आर सेट टू बी कंपेरेबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जैसे एम के स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप, क्यू, और एन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। इसका मतलब जैसे क्या है, हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, या एक 3, 4, 5, 2, 4, 3, ये कितनी है, 2 रो है और 3 क्या है इसमें, कॉलम है, तो 2×3 की होगी। और दूसरी हमने जैसे एक और दे दी यहाँ पे 3, 4, 5, 4, 5, 6, ये भी 2 रो 3 की एक मैट्रिक्स तैयार होगी ऑर्डर की। और ये भी, ये बी नाम रख देते हैं इसका मैट्रिक्स का, और ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या है, 2×3 रो की, ये भी 2×3 रो की, तो क्या है इसमें, सेम ऑर्डर हो गया।
ठीक है ना, 2 into 3, ये भी 2 into 3, इसका मतलब क्या है, सेम ऑर्डर हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ए आई जे एंड बी बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। क्या होना चाहिए उसमें, सबसे पहली कंडीशन क्या है, सेम ऑर्डर, एक तो यही है कंपेरेबल मैट्रिक्स में जो था सेम ऑर्डर। दूसरी बात, इसमें एक और कंडीशन है जिसमें द एलिमेंट्स इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल, जो क्या है, एलिमेंट्स इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन टू मैट्रिक्स आर इक्वल हो, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स नाम देंगे। जैसे जैसे हमने 4, 5, 6, 7 यहाँ पे रख दिया और दूसरी साइड में एक मैट्रिक्स ले ली ए बी सी और डी, तो हमने कंपेयर इक्वलिटी मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं, हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए ए के स्थान पे कितना है वैल्यू, 4 है, बी के स्थान पे कितनी वैल्यू है, 5 है, और सी के स्थान पे कितनी है, 6, और डी के स्थान पे कितनी वैल्यू है, 7। तो इस प्रकार से हम ए बी सी और डी की वैल्यू कम इक्वलिटी मैट्रिक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, टू मैट्रिक्स ए आई जे और बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर हो और द कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स आर, पोजिशन उनकी भी क्या हो, पोजिशन भी क्या हो, इक्वल ही हो, उसको क्या बोलेंगे, इक्वल इक्वल मैट्रिक्स नाम देंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बताया इसने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द मैट्रिक्स ए, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है अपने पास, और राइट करना हमने द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर बताएंगे इसका, ऑर्डर कैसे बताएंगे, देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, ऑर्डर कितना है, देखो ये हो गया, कितनी रो है, 1, 2 और 3 ऑर्डर हैं, और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 और 4 कॉलम है, तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, 3 ऑर्डर और 4, 3 into 4 के रूप में हम लिख सकते हैं इसको, 3 और 4, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, 3 into 4, इसका मतलब 3 रो, ये 3 रो होगी और 4 क्या है, कॉलम है, तो 3 रो और 4 कॉलम के रूप में है ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। फिर है अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जिक्र किया जाए तो क्या है अपने पास, इनको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 12 हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए अपने पास 12। फिर हमने तीसरा पार्ट है राइट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे मैंने बताया था जो मैट्रिक्स होती है उसको ए आई जे से डिनोट करते हैं, तो आई का मतलब क्या होता है, रो, और जे का मतलब क्या होता है, कॉलम, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे क्या है, रो है, और सेकंड नंबर पे क्या है, कॉलम है, तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, 1, 3, तो फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट, तो इसका मतलब फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट देखेंगे तो हम फर्स्ट रो का, ये फर्स्ट रो की थर्ड जो एलिमेंट हुआ वो कितना यहाँ पे 19 है, और इसी प्रकार से दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट 8, 2, 1, दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट देखा जाए तो 35 है, और फिर है तीसरी रो का वो थर्ड ही एलिमेंट, तो तीसरी रो ये इसका थर्ड एलिमेंट कितना होगा, माइनस के 5 होगी, फिर इसका मतलब 8, 2, 4 दूसरी रो का फोर्थ एलिमेंट, दूसरी रो का फोर्थ एलिमेंट कितना यहाँ पे 12 है, और उसके बाद है दूसरी रो का थर्ड एलिमेंट, दूसरी रो का थर्ड एलिमेंट कितना है यहाँ पे 5/2 है, तो हम इस प्रकार से इनके राइट द एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 24 यदि एलिमेंट हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो इसका मतलब 24 एलिमेंट हैं तो इसका मतलब हम उसको कैसे अरेंजमेंट उनका कर सकते हैं, इस प्रकार से उसने पूछा है, तो हम उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं 24 × 1, और हम इसको ले सकते हैं 12 × 12, और 3 × 8, और 4 × 6, और इसको हम टर्न भी कर सकते हैं, 1 × 24 और 12 × 2 और 8 × 3 और 6 × 4, इस प्रकार से हम एक बार ऐसे लिखेंगे एक बार इसके, तो इस प्रकार जैसे हम फैक्टर करते हैं वही बात है इसमें, तो हम जैसे 24 एलिमेंट है उसको एक रो के अंदर भी दिखा सकते हैं या 2 रो के अंदर भी दिखा सकते हैं, इस प्रकार से हम उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर इसने पूछा 13 एलिमेंट यदि हैं
तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो 13 एलिमेंट यदि हैं तो हम उसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 13 या 13 मल्टीप्लाई हम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि 13 एलिमेंट हैं हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से, यदि 18 एलिमेंट हैं तो उनका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, उनका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9 और 3 मल्टीप्लाई 6 इस प्रकार से। अब इसको हम टर्न कर लें, 18 मल्टीप्लाई 1 और 9 मल्टीप्लाई 2 और 6 मल्टीप्लाई 3, तो इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका पॉसिबल ऑर्डर इस प्रकार से हो सकता है। ऐसे इसने फिर पूछा व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, यदि 5 एलिमेंट हैं तो उनका पॉसिबल ऑर्डर किस प्रकार से हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 1 के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो यदि 5 एलिमेंट है, एक रो में हम 5 एलिमेंट्स लिखे, 5 रो में एक एक एलिमेंट्स लिखें, इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। फिर एक बार फिर देखो, इस प्रकार से क्या पूछा इसने, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो उसी प्रकार बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेम है, जैसे हमने इस प्रकार से फैक्टर कर दिए और फैक्टर करने के बाद हमने एक बार सीधे फैक्टर लिख दिए, एक बार वापस उल्टे लिख दिए। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद इसने पूछा 5 एलिमेंट्स यदि हैं तो 5 एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 1 के रूप में इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद उसने पूछा कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 के एक मैट्रिक्स लिखनी है हमने, वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट्स इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने मैट्रिक्स ऐसे दिखाना है आई प्लस में जे इसका स्क्वेयर है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम सबसे पहले 2 इंटू 2 के एक मैट्रिक्स काउंट करेंगे। सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 के, ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1 और ए 2 2, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बन गई। और हमने इसके एलिमेंट्स हैं ये है 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स तैयार होगी। अब हमने इसके एलिमेंट्स 1 1 को फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या है, तो आई प्लस में जे, आई क्या अपने पास 1 है और जे कितना अपने पास 1 है। तो 1 प्लस में 1 इसका क्या है होल स्क्वेयर अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 का होल स्क्वेयर करेंगे तो 4 अपॉन में 2 2 2 जा 4, तो अपने पास क्या आ गया 2 आ गया। उसी प्रकार से ए 1 2 फाइंड आउट कर सकते हैं, ए 1 2 करेंगे तो 1 प्लस में जे के स्थान पे क्या है 2 है, 2 इसका होल स्क्वेयर अपॉन में 2 ये आ जाएगा 3 3 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 2। फिर अपने पास ए 2 1 हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या अपने पास यहाँ पे कितना है 2 आई के स्थान पे और ये क्या है जे के स्थान पे 1 इसका होल स्क्वेयर अपॉन में 2 ये आ जाएगा 9 अपॉन में 2। इसी प्रकार से हम क्या दूसरा है अपने पास ए 2 2 में भी ऐसे 2 प्लस में 2 और अपॉन में 2 इसका भी होल स्क्वेयर करेंगे तो 4 का स्क्वेयर 16 4 का और ये आ जाएगा 2 इसको कैंसिल करेंगे तो 8। तो हमने अपने पास इस प्रकार से एक मैट्रिक्स तैयार होगी, यहाँ पे लिखेंगे 2 9 अपॉन में 2 और यहाँ आगे 9 अपॉन में 2 और यहाँ पे 8, ये सारे एलिमेंट्स वापस रख दिए हमने। A11 की वैल्यू आई थी अपने पास 2, A12 की वैल्यू आई है 9 अपॉन में 2 और A21 की वैल्यू आई 9 अपॉन में 2, A22 की वैल्यू आई 8। तो इस प्रकार से इनको वापस से यहाँ पे हम यहाँ पे दर्शा दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने पास एक मैट्रिक्स तैयार होगी 2 इंटू 2 की। सेकंड पार्ट अपने पास उसमें कंडीशन क्या दे रखी है इसने, ए आई जे आई अपॉन में जे के रूप में, तो इसका मतलब मैट्रिक्स तो उसी प्रकार से अपने पास A11 A12 A21 A22, तो इसी प्रकार से कंडीशन अब की बार क्या है आई अपॉन में जे के रूप में लिखना है। तो A11 अपने पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1, तो 1 ही आ गया। और ऐसे ही A12 निकालेंगे तो आई के अपने पास 1 है और जे कितना यहाँ पे जे अपने पास 2 है तो 1 बाई 2। ऐसे ही A21 फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास अब की बार आई कितना है 2 है और जे कितना यहाँ पे 1 है तो अब 2 अपॉन 1 2 आ गया। ऐसे ही A22 फाइंड आउट कर सकते हैं 2 अपॉन में 2, इसको कैंसिल करने के बाद कितना आ गया 1। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स तैयार हो गया अपने पास 1 2 1 बाई 2 और 1, ये 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स तैयार होगी। तो इस प्रकार से हम एक मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं जो कंडीशन क्या हो आई अपॉन में जे के रूप में। तो आई क्या थे अपने पास, ये फर्स्ट आई है और दूसरा सेकेंड नंबर पर क्या है ये जे।
तो इसका मतलब इस प्रकार से हम एक मैट्रिक्स तैयार होगी। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है उसमें है आई प्लस में टू जे होल स्क्वायर अपॉन में टू। इसी प्रकार से उसमें भी हमने ऐसे ही करना है, ए वन वन फाइंड आउट कर लेंगे। ए वन वन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, इसमें वन प्लस में टू मल्टीप्लाई वन इसका होल स्क्वायर अपॉन में टू, तो इसमें जाएगा वन प्लस में टू इसका होल स्क्वायर अपॉन में टू, तो ये क्या आ जाएगा थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना जाएगा नाइन अपॉन में टू। फिर है अपने पास ए वन टू फाइंड आउट करेंगे तो वन प्लस में क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई जे की हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे यहाँ टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू इसका होल स्क्वायर अपॉन में टू, तो यह आ जाएगा वन प्लस में टू टू जा फोर इसका होल स्क्वायर अपॉन में टू, तो यह आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन में टू। उसके बाद हमने ए टू वन फाइंड आउट करना है, ए टू वन करेंगे तो यहाँ टू प्लस में टू इन टू में वन इसका होल स्क्वायर अपॉन में टू, तो यहाँ आ जाएगा टू प्लस में टू टू वन जा टू इसका होल स्क्वायर अपॉन में टू, तो यह आ जाएगा फोर का स्क्वायर कितना आ जाएगा सिक्सटीन अपॉन में टू, तो यह आ जाएगा एट। उसके बाद ए टू टू फाइंड आउट करेंगे, ए टू टू करेंगे तो टू मल्टीप्लाई टू वन इंटू टू इसका होल स्क्वायर अपॉन में टू, तो यह आ जाएगा टू प्लस में फोर इसका होल स्क्वायर अपॉन में टू, तो यह आ जाएगा थर्टी सिक्स अपॉन में टू, तो इसको कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा एटीन। तो इस प्रकार से हम इसको मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, नाइन अपॉन में टू ट्वेंटी फाइव अपॉन में टू और यहाँ पे आ जाएगा एट और यहाँ पे कितना आ जाएगा एटीन, तो ये एक मैट्रिक्स तैयार होगी टू इंटू टू की। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास फोर्थ क्वेश्चन के तीन पार्ट थे वन टू और थ्री, तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।